अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube फैंस, कैसे हैं आप सब। होपफुली आपको मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर पसंद आई होंगी। तो आज मेरी रेसिपी है बकरे की यखनी। तो जैसा कि आजकल सर्दियां हैं और सूप का ज़माना है, सूप और यखनी और गरम गरम हलीम और पाए, तो जनाब हमने सोचा कि क्यों ना हम भी मटन की यखनी बना के आपको बताएं, आपसे शेयर करें। तो इसके लिए जी आज हमें आज इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, नमक हस्बे जायका, ठीक है, गोश्त है हमारे पास ऑलमोस्ट 1 kg, और ये सारा गरम मसाला जो नॉर्मली हर घर में मौजूद है, सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, और ये सिनेमन, और ये गोल वाली जो बॉल्स हैं, साबुत काली मिर्च, ठीक है। हर किसी के घर में नॉर्मल ये एंड में गरम मसाला ज़रूर डलता है सालन के एंड में जब बन जाता है। तो जी हमें चीज़ें ये चाहिए होंगी यखनी के लिए, लहसुन, ठीक है, लहसुन के 4-5 टुकड़े, और ये मैंने अदरक के पीसेस काट के रखे हुए थे, मैं इसे फ्रीज़ भी कर लेती हूँ, तो आज इत्तेफाक से फ्रेश अदरक मेरे पास पड़ा हुआ था। और टमाटर आप चाहें तो डाल लें, कुछ लोगों जो है कुछ लोग नहीं भी पसंद करते तो उनकी मर्ज़ी। तो 1 onion, ठीक है, ये स्मॉल साइज़, बिल्कुल देखें ये बिल्कुल स्मॉल साइज़ अनियन है, जैसे मैंने 2 पीस में कर लिया है, ठीक है। तो और जी पानी आपने अपने मर्ज़ी से डालना है कि आपको कितनी यखनी चाहिए। ये जो जग है, ठीक, ये मैं डालूँगी जी 1.5 jug, ठीक है, क्योंकि बीच में पानी जो है सूख भी जाता है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ये देखें 1 jug पानी का डाला, और अब हमने ये 1/2 jug पानी का डाला, ठीक है। अब जी हमारे पास पानी हो गया है इतना, ठीक है। मेरा प्रेशर कुकर जो है वो बड़े साइज का है, तो इस वजह से एक मिनट में सही तरह से दिखाऊं जी। तो ये देखिए पानी में बबल्स आ चुके हैं, पानी बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो अब हम जी इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले मीट, ठीक है। चलो अब हम डालेंगे नमक हस्बे जायका और जिंजर गार्लिक पेस्ट, अनियन और टमाटर और गरम मसाला, ठीक है जी। अब हम इसे दम पे रख देंगे, सॉरी कुकर का, बिल्कुल ये गर्म हो चुका है, तो अब हम इसे कुकर जो है अब हम इसे प्रेशर कुकर इसका बंद कर देंगे, ठीक है। 10 मिनट के लिए मैं ज़बरदस्त ये यखनी इसकी बन जाएगी। तो चलें जी फिर 10 मिनट्स के बाद देखते हैं। तो ये देखें कुकर बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब हम इसका कप इसे खोलने लगे हैं। इसमें ये देखें जी मसाला सारा नीचे बैठ गया है, और ये भी कितना अच्छे से गल चुका है, ठीक है। हम आपको हाथ से भी तोड़ के दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। जनाब तो गर्मा गर्म मटन की यखनी बिल्कुल रेडी है, तो आप भी अपने घर में बनाइएगा और हमसे शेयर कीजिएगा कि कैसी बनी, और हमारे चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और अपना हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।